हेलो गाई, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, मैं हूं रवि, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिन रात में। गाइज, आज का टॉपिक लेकर आए हैं, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। क्या होता है कि हम IRCTC में अकाउंट बनाना चाहते हैं। अकाउंट बनाने के लिए जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करते हैं, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वहाँ पर लिख देता है मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो आप सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे। आज मैं लाइव सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ इस प्रॉब्लम को। तो चलिए, वीडियो को आगे मैं बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए, उसके लिए क्या काम करना है, हम लोग को सबसे पहले IRCTC एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। ये देखिए, रेलवे का ऑफिशियल एप्लीकेशन IRCTC को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे सिंपली हम लोग को लॉग इन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्टर यूजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग रजिस्टर यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, यहाँ पे देखिए मेरा मोबाइल नंबर रेड हो गया। रेड हो जाने के बाद यहाँ पे एक आई बटन आ गया। आई बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आई बटन पर मैं जैसे ही क्लिक किया, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसा प्रॉब्लम अगर आपके पास भी है तो यहाँ के बाद वीडियो को स्किप करके ना देखेंगे, क्योंकि एक एक सेटिंग, एक एक प्रोसेस मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे जैसे मैं करूँगा सेम अपना मोबाइल में फॉलो करेंगे, आप इससे छुटकारा पा लेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग को क्या काम करना है, फिर से हम लोग को बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद देखिए, IRCTC एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद ये लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक कर देने के बाद सिंपली हम लोग को फिर से क्या काम करना है, पिछले बार रजिस्टर्ड यूजर पर क्लिक किए थे, इस बार फॉरगॉट अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। फॉरगॉट अकाउंट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इंटर IRCTC यूजर नेम, मुझे पता नहीं है। ईमेल आईडी कुछ भी पता नहीं है। मोबाइल नंबर, हाँ मोबाइल नंबर अभी पता है मेरे को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल कर लेना है। देखिए, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। देन उसके बाद ये वाला जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये वाला कैप्चा को आप यहाँ पे सही सही फिल कर लेंगे। इस कैप्चा को ध्यान में रखते हुए, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल कर लेने के बाद सिंपली हम लोग को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन एक आता है, यूजर नेम एंड OTP आर सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये वाला मोबाइल नंबर पे जो भी फिल किया है, उस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड यूजर नेम और OTP दोनों सेंड किया जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर नेम और OTP दोनों सेंड कर दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए OTP फॉर अकाउंट रिकवरी ऑफ यूजर नेम, यहाँ पे देखिए ये मेरा यूजर नेम हो गया। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा यूजर नेम हो गया। इस यूजर नेम को आप अच्छे से लिख लेंगे और ये मेरा OTP हो गया। दोनों को आप अच्छे से लिख लेंगे कहीं पे। उसके बाद गाइज, क्या काम करना है कि यहाँ पे देखिए, यूजर नेम जो आपको वहाँ पे आया था, उस यूजर नेम को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उस यूजर नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं यूजर नेम फिल कर लिया हूँ, यहाँ पे OTP फिल कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक पासवर्ड, नया पासवर्ड बना लिया हूँ। वही पासवर्ड जो ऊपर में पासवर्ड में फिल किया हूँ, सेम पासवर्ड नीचे में फिल कर दिया हूँ। उसके बाद देखिए, इस कैप्चा को सही सही यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए, सबमिट का बटन पर क्लिक करता हूँ। सबमिट का बटन पर आप भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, प्लीज कीप योर पासवर्ड सेफ फॉर फ्यूचर यूज। गाइज, फ्यूचर यूज के लिए आप पासवर्ड को सेव कर लेंगे, लिख के रख लेंगे। और सिंपली हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। उसके पहले आप यूजर नेम लिख के रखेंगे और पासवर्ड को। चलिए, उसके बाद देखिए, यहाँ ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देने के बाद देखिए, सिंपली हम लोग को कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाता है। तो हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे यूजर नेम हम लोग को फिल करना है। यहाँ पे जो भी आपका यूजर नेम आया है, उस यूजर नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सही यूजर नेम मैं फिल कर लिया हूँ, और जो नया पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड को मैं यहाँ पे फिल कर लिया हूँ। और इस कैप्चा को देखिए, यहाँ पे मैं सही सही फिल कर लिया हूँ। उसके बाद सिंपली हम लोग को लॉगिन पे क्लिक कर देना है।
लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने तक आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट कर लेने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा, इस तरह का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग को एक पिन क्रिएट करना है, 4 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना है, जो जब भी आप IRCTC ओपन करेंगे तो यही पिन से ओपन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बायोमेट्रिक आप अगर फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं। इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट दे देंगे। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो गए हैं। वीडियो को छोड़ना मत, अभी और मैं कुछ बताने वाला हूँ। देखिए सिंपली हम लोग को क्या काम करना है, अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं IRCTC पे, IRCTC पे क्लिक कर लेने के बाद और हम लोग को लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, या फिर आप 4 डिजिट का पिन यहाँ पे इंटर कीजिए और नहीं तो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाइए। अगर फिंगरप्रिंट लगाना है तो फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो जाएगा, और नहीं तो फिंगरप्रिंट को हटा देना है। यहाँ पे 4 डिजिट का पिन जो अभी बनाए थे उस 4 डिजिट का पिन यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद क्या काम करना है, सिंपली हम लोग को लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और ट्रेन पे क्लिक करेंगे। ट्रेन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। बुक टिकट पे क्लिक कर लेने के बाद आप यहाँ से ट्रेन टिकट कर पाएंगे। उसके बाद अभी एक बात और है, क्या है कि अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आपका काम हुआ तो कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो लाने पे। सो थैंक यू, धन्यवाद।